हमारे वीडियो को लाइक करें। मैं हूं मृत्युंजय पटेल और आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल ताप्ती अर्जुन। आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की मुख्य खबरें। बैतूल पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई क्राइम मीटिंग। बैतूल पुलिस अधीक्षक सीमाला प्रसाद ने अपराधों को लेकर की समीक्षा। सभी SDOP और जिले के सभी थाना प्रभारी रहे मौजूद। लंबित अपराधों पर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। बैतूल गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत करंट साइकिल स्टोर में हुई 10 से 15 हजार रुपए नकदी की चोरी। दुकान संचालक ने गंज थाने पहुंचकर शिकायत कराई दर्ज। पुलिस द्वारा की जा रही है चोरों की तलाश। बैतूल माचना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ग्रीन टाइगर्स की टीम ने पहले चरण में 3 किलोमीटर तक लगाए पौधे। बांस, करंजी, अर्जुन, जामुन, पीपल और आम के पौधों का किया गया रोपण। बैतूल गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत विनोबा वार्ड स्थित मनसाराम साहू के सूने मकान में हुई लाखों रुपयों की चोरी। 24 जुलाई से भोपाल गया हुआ था परिवार। बैतूल भगुड़ाना निवासी सरिताबाई नाम की महिला ने अपने पति के खिलाफ शराब के नशे में मारपीट करने के संबंध में गंज थाने में की शिकायत दर्ज। गंज पुलिस कर रही है मामले की जांच। बैतूल भारत भारती में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा घर घर जाकर बच्चों के ब्लड की जा रही है जांच। परिजनों को स्वास्थ्य के संबंध में दी जा रही है समझाइश। बच्चों में रक्त की कमी पाए जाने पर दी जा रही है आयरन सिरप। बैतूल सारनी पुलिस ने गौवंश तस्करी के मामले में एक आरोपी बबलू पानसे को विक्रमपुर से किया गिरफ्तार। युवक बबलू पानसे एवं उसके साथियों के द्वारा महाराष्ट्र ले जाए जा रहे थे गौवंश। बैतूल डिवाइन इंग्लिश स्कूल बैतूल बाजार में कल हरियाली अमावस्या के अवसर पर किया गया पौधारोपण। टीचर स्टाफ ने पौधों को पालने का लिया संकल्प। प्रभात पट्टन जनपद पंचायत में भाजपा समर्थित सोनाली इड़पाचे बनी अध्यक्ष। वहीं उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित देवी सिंह वानखेड़े ने हासिल की विजय श्री। क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस ने गवाया अध्यक्ष पद। मुल्ताई नगर के ताप्ती वार्ड और पटेल वार्ड में बारिश के चलते जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं वार्डवासी। भाजपा नेताओं ने कल मुल्ताई CMO श्री नितिन कुमार बिजवे को इस संबंध में कराया अवगत। मुल्ताई उर्दू स्कूल में उर्दू शिक्षक की नियुक्ति को लेकर कल वक्फ बोर्ड कमेटी के सदस्यों ने मुल्ताई SDM सुश्री राजनंदिनी शर्मा को सौंपा ज्ञापन। कुछ समय पूर्व उर्दू शिक्षक का हो गया था स्थानांतरण। जिले के एकमात्र उर्दू स्कूल में नहीं है कोई भी उर्दू शिक्षक। मुल्ताई रजिस्ट्रार ऑफिस में सांप निकलने से मचा हड़कंप। सूचना के बाद पहुंचे सर्पमित्र श्रीकांत विश्वकर्मा। सर्पमित्र ने पकड़ा दुर्लभ प्रजाति का सैंड बोआ सांप। कल सुबह 10 बजे के दरमियान ऑफिस खोलने के लिए अंदर घुसे अधिकारी गण की गई सर्प पर नजर। इस दुर्लभ प्रजाति के सांपों की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में है लाखों रुपए की कीमत। आमला कचरबो गांव में चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों में हुई मारपीट। 7 लोग हुए घायल। फरियादी ने 10 लोगों के खिलाफ शिकायत कराई दर्ज। पुलिस द्वारा मामले की जा रही है जांच।
आमला बड़गांव में खेत में काम कर रही निर्मला यादव नाम की महिला हुई सर्पदंश का शिकार। परिजनों ने पहुंचाया अस्पताल, अस्पताल में इलाज जारी। गोड़ा डोंगरी विक्रमपुर गांव में गौवंश की तस्करी करते हुए एक पिकअप को बजरंग दल सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के सदस्यों ने पकड़ा। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 8 मवेशी किए जब्त। घोड़ा डोंगरी रानीपुर थाना क्षेत्र का मामला। आमढाना निवासी मोहन दुर्वे और श्यामराव गाठे बाइक के सामने मवेशी आ जाने के कारण बाइक से फिसले। 100 डायल ने पहुंचाया अस्पताल, अस्पताल में इलाज जारी। चिखलार से आमढाना जा रहे थे दोनों युवक। भैंसदई दक्षिण वन मंडल में वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री अमित सिंह चौहान ने एक बार फिर से संभाला पदभार। एक आदिवासी के साथ मारपीट को लेकर आला अधिकारियों ने किया था ट्रांसफर। मामले को लेकर क्लीन चिट मिलने पर वापस पहुंचकर भैंसदई वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद को संभाला। भैंसदई क्षेत्र में अधिक बारिश होने के चलते किसानों की सोयाबीन और मक्के की फसल हो रही है खराब। किसान चिंतित और परेशान। चिचोली में जनपद पंचायत अध्यक्ष पद हेतु सरस्वती एवं उपाध्यक्ष पद हेतु कांग्रेस समर्थित सुनीता बारस्कर ने हासिल की जीत। चिचोली जनपद में कांग्रेस ने मारी बाजी। आठनेर तस्करों से 1 लाख रुपए की सागौन की गई जब्त। आरोपियों ने वन विभाग की टीम पर किया हमला। एक पिकअप और बाइक भी की गई जब्त। दक्षिण वन मंडल बैतूल की आठनेर मोर्शी रेंज की टीम को सागौन तस्करी की मिली थी सूचना। आठनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के बाद प्रसूता की हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। जामड़ी निवासी रोशनी की एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के बाद हुई मौत। तो ये थी बैतूल जिले की आज की मुख्य खबरें। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।